जी ओम स्वामी जी, इस देवभूमि पे उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम। मुझे 2018 में पता चला कि मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। फिर मैं पीजीआई लखनऊ, एम्स पटना, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारा इलाज करवाया, पर 2021 में स्वामी जी हमारी ये दुर्दशा हो गई कि मेरा चलना फिरना सब बंद हो गया। फिर मैं यहाँ दिसंबर में आया था, उस समय मैं गिलास से पानी भी नहीं पी पाता था। ये एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस पूरी दुनिया में, ये दो तीन बीमारियां ऐसे, एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस बहुत खतरनाक, और एक ये जैसे ममता ने बताया, इसको कीर्ति जी ने बताया, वो तो अलग है, एक रांगड़बाई गृध्रसी शैटिका बोलते हैं, वो भी भयंकर है, आदमी लंगड़ा हो जाता है उसमें, बाकी तो घुटने का, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पोलाइटिस कॉमन है। एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस और ये गृध्रसी जैसे रोग, स्लिप डिस्क जैसे रोग असाध्य मानते हैं, और उनको मैं कहता हूं आप 7 से मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन के लिए आइए, आपको ऐसे ही फ्री करके भेजेंगे। अब आप मेरी हाथे भी सूख रही थी स्वामी जी, और पैर भी, दोनों सब अब अच्छा हो गया है। ये बड़ा काम हो गया इस बच्चे का, एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस वाले कितने बच्चे ऐसे, लेकिन थोड़ा हौसला रखना पड़ता है। कितना समय लगा बेटा आपको? मैं एक उस समय 15 दिन रहा था स्वामी जी, जब मुझे आराम मिलने लगा तो मैं चला गया और पूरी दिनचर्या को वैसे ही फॉलो किया। और 2008 की बात है स्वामी जी, मेरे पूरे शरीर में, गर्दन से लेकर के और पैर तक पूरे में, मैं चर्म रोग से ग्रसित हो गया। ऐसा हो गया था, पूरे कपड़े भींग जाते थे रात को। फिर आप 2008 में हमारे यहाँ आए थे मुजफ्फरपुर में, तो मैंने आपका एक किताब लिया, औसत दर्शन, और मैंने उसी को पढ़ा और उसी से अपना इलाज कर लिया, और उसके बाद तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। छोटी छोटी बातें जो लिखी, अब औषध दर्शन का ही परिष्कृत रूप है पतंजलि वेलनेस, उसमें तो छोटी छोटी बातें लिखी थी, इसमें पूरा लिखा हुआ है, योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का। अब ये जो है अमित रंजन जी, अब पूरा योग के रंग में रंगा हुआ है।